नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अमोल केड़कर है। मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ, सेक्सोलॉजिस्ट हूँ, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ और अकोला में एज अ साइकियाट्रिस्ट प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज जो टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वो है ऑटिज्म। ऑटिज्म ये बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारी है जो बच्चों में आजकल इसका इंसिडेंस बहुत ज़्यादा मात्रा में दिख रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ सेंसिटाइजेशन, लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण सभी डॉक्टर्स, चाहे वो फिजिशियंस हो, पीडियाट्रिशियंस हो, साइकियाट्रिस्ट हो, साइकोलॉजिस्ट हो, जनरल पब्लिक हो, आजकल इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। और अनफॉर्चुनेटली ध्यान न देने के कारण ऑटिज्म का बाद में बच्चों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हमें दिखाई पड़ रहा है। ऑटिज्म बेसिकली है क्या? ऑटिज्म इज अ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, ये समझना बहुत ही जरूरी है। इसके कारण बहुत सारे हैं, इसकी एटियोलॉजी बहुत वेराइड है, बहुत सारे कारण इसके हैं। प्रीनेटल, पेरीनेटल और पोस्टनेटल, मतलब जब महिला प्रेग्नेंट होती है तब कुछ फैक्टर्स के कारण, डिलीवरी के वक्त उसको बोलते हैं पेरीनेटल और डिलीवरी के बाद पोस्टनेटल, ये सभी कारणों के वजह से ऑटिज्म हो सकता है। तो ऐसे कौन से कारण हैं जिसके कारण ऑटिज्म हो सकता है? तो जैसे मैंने कहा कि इसमें जीन्स का बहुत बड़ा महत्व है। अगर पेरेंट्स में कुछ ना कुछ साइकेट्री बीमारी हो तो बच्चों में ऑटिज्म हो सकता है। साथ ही में अगर महिला प्रेग्नेंट है और उस वक्त महिला को कुछ इन्फेक्शन हो गया, कुछ ड्रग्स ले लिए, फीवर आ गया, कुछ इन्फेक्शंस हो गए, कोई चीजों से रेडिएशन आ गया, तो इन कारणों की वजह से वो महिला को बाद में जो बच्चा होगा वो ऑटिस्टिक हो सकता है। साथ ही में डिलीवरी के वक्त और डिलीवरी के बाद, ऐसे कुछ कारणों के वजह से भी ऑटिज्म हो सकता है। ऑटिज्म ये बीमारी यूजुअली पहले 2-3 साल में इसका डायग्नोसिस, स्क्रीनिंग हो जाना चाहिए, लेकिन इसके लिए नॉलेज बहुत ही आवश्यक है। अगर ये ऑटिज्म का डायग्नोसिस मिस हो गया तो बाद में इंटरवेंशन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आम तौर पर यह देखा जाता है कि पहले 4-5 साल तक बच्चों का जो दिमाग है वो अच्छी तरह से हम मोल्ड कर सकते हैं, क्योंकि न्यूरोप्लास्टिसिटी बहुत ज्यादा होती है, हम इजीली मोड़ सकते हैं और उसको घुमा सकते हैं। यदि बच्चों का अगर एक पैटर्न ऑफ बिहेवियर सेट हो गया तो बाद में बच्चों का डेवलपमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए अर्ली इंटरवेंशन एंड प्रिवेंशन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन ऑटिज्म, ये समझना बहुत ही जरूरी है। ऑटिज्म के महत्वपूर्ण लक्षण क्या क्या है, सिम्टम्स क्या क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑटिज्म का जो सिम्टम है वो है लैक ऑफ सोशल डेवलपमेंट, जो दूसरा है वो है लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ स्पीच, और तीसरा है रिपीटेटिव एंड रिचुअलिस्टिक बिहेवियर। जो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने जो कहा वो है लैक ऑफ सोशल डेवलपमेंट। लैक ऑफ सोशल डेवलपमेंट मतलब जो बच्चा आमतौर पर सामने वाले व्यक्ति को देखकर हंसना चाहिए, वेव करना चाहिए, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो बड़ा भाई हो, दादा दादी हो, अपने आजू बाजू के लोग हो, उनके देखकर वेव नहीं करता, उनको देखकर हंसता नहीं है, आई टू आई कॉन्टैक्ट मेंटेन नहीं करता, ज्यादा सोशली इंटरेक्ट करने की कोशिश नहीं करता, क्यूरोसिटी उसमें नहीं होती है, तो उसे हम बोलते हैं लैक ऑफ सोशल डेवलपमेंट। जो सेकेंड इंपॉर्टेंट है वो है लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ स्पीच। आमतौर पर यूजुअली 1.5-2 साल तक बच्चे थोड़ा बहुत माँ बा या कोई भी चीज को पुकारना ऐसा शुरू कर देते हैं, स्पीच डेवलपमेंट शुरू कर देते हैं, लेकिन ऑटिज्म में बच्चों की स्पीच डेवलप नहीं होती है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होता है, वो बच्चे जल्दी कम्युनिकेट नहीं कर पाते, शाय होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, थोड़ी पर्सनैलिटी उनकी शाय होती है, और इस कारण कम्युनिकेशन न करने के कारण, स्पीच न बोल पाने के कारण सभी को ऐसा लगता है कि वो बच्चा मंद बुद्धि है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ऑटिज्म के बहुत से बच्चे, अप्रोक्सीमेटली 50% बच्चे इंटेलिजेंट टू हायर इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि उनका स्पीच डेवलप होता नहीं है, उनकी कम्युनिकेशन डेवलप नहीं है, इसलिए बहुत सारे डॉक्टर्स को यह लगता है, जनरल पॉपुलेशन को लगता है कि बच्चा हमारा मेंटली रिटार्डेड है। तो ये सेकेंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ स्पीच। जो थर्ड इंपॉर्टेंट जो सिम्टम है वो है रिपीटेटिव एंड रिचुअलिस्टिक बिहेवियर, मतलब बार 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 वही वही चीज करना,
वही वही एक्शन करना, वही वही चीजों के साथ खेलना, इसको हम बोलते हैं रिपीटेटिव बिहेवियर। अगर उसे कार दे दी, अगर खिलौने की कार दे दी, तो वो खाली चक्के के साथ खेलता रहेगा। अगर उसे दौड़ने को बोला तो वो खाली राउंड राउंड दौड़ते बैठेगा। अगर वो कोई चीज को ऑब्जर्व कर रहा है तो वही चीज को ऑब्जर्व करेगा। अगर वो कोई पढ़ रहा है तो वही वही चीज वो पढ़ते रहेगा। ऐसे अलग अलग रिपीटेटिव एंड रिचुअलिस्टिक बिहेवियर ऑटिज्म में हमें दिखाई पड़ते हैं। साथ ही में ऑटिज्म के बच्चों में ये सिम्टम्स के अलावा और भी सिम्टम दिख सकते हैं। जैसे कुछ बच्चे बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और उनकी मेमोरी और उनकी इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, वो जल्दी से कोई भी चीज पकड़ सकते हैं। उनकी कोई कोई बच्चों की ड्राइंग अच्छी होती है, कोई कोई बच्चों की फोटोग्राफिक मेमोरी अच्छी होती है, कुछ कुछ बच्चों की मेमोरी इतनी स्ट्रांग होती है कि वो एक ही वक्त पढ़ाई करके सब कुछ नॉलेज अपने आप गैदर कर सकते हैं। कुछ कुछ बच्चे बहुत ज्यादा इरिटेबल होते हैं, कुछ कुछ बच्चे को एसोसिएटेड मेंटल एबनॉर्मलिटीज भी होती है। इस प्रकार से कुल मिलाकर ऑटिज्म के सिम्टम्स हमें दिखाई पड़ते हैं। ऑटिज्म का जो डायग्नोसिस है वो क्लियर कट क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे होता है। बहुत सारी आजकल ऑटिज्म की स्केल्स मार्केट में उपलब्ध है, लेकिन जो शार्प फिजिशियन है, जो शार्प साइकेट्रिस्ट है, वो क्लिनिकली ऑटिज्म के बच्चों को देखकर, उनसे बात करके, उनसे इंटरव्यू करके डायग्नोसिस कर सकता है और बता सकता है ये बच्चों को ऑटिज्म है या नहीं है। ऑटिज्म इतना समझना, इतना पढ़ना जरूरी क्यों है? ऑटिज्म को कोई क्योर नहीं है, क्योंकि ये कोई बीमारी नहीं है। ऑटिज्म ये एक कंडीशन है, लेकिन अर्लियर द इंटरवेंशन द बेटर इट इज फॉर द चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। जितना जल्दी आप ऑटिज्म को पकड़ सकते हैं, जितना जल्दी आप डायग्नोसिस कर सकते हैं और इंटरवेंशन कर सकते हैं, उतना ही अच्छा डेवलपमेंट वो बच्चे में हो सकता है और बाद में जो भी फैसिलिटीज बच्चे को मिलनी है वो बच्चे को मिल सकती है। इसमें पेरेंट्स का भी फायदा है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि पेरेंट्स को बहुत ज्यादा बच्चों से उम्मीदें होती है, एक्सपेक्टेशंस होती है, लेकिन ऑटिस्टिक चाइल्ड वो बच्चों को वो एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं कर सकता। इसलिए अगर पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को ये समझ गया कि हमारे बच्चों को ऑटिज्म है, तो वो इस हिसाब से उस डेवलपमेंट के प्रक्रिया से बच्चों को बढ़ाएंगे और इसमें बच्चों का और पेरेंट्स का अच्छे से डेवलपमेंट हो सकता है और बच्चा आगे जाके अपने लिमिट में सक्सेस पा सकता है। तो बेसिकली ऑटिज्म की ट्रीटमेंट क्या है, मैनेजमेंट क्या है, ये समझना बहुत ही जरूरी है। मैनेजमेंट ऑटिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि छोटे शहरों में ऑटिज्म का ट्रीटमेंट आजकल इतना वेल वर्स नहीं है, डेवलप नहीं है। बड़े बड़े मेट्रोज में, जैसे मुंबई में नायर हॉस्पिटल में एक बड़ा ऑटिज्म का सेंटर है, जहां ऑटिज्म के बच्चों को अच्छे से ट्रीटमेंट देते हैं, उनका डायग्नोसिस करते हैं। ऑटिज्म का ट्रीटमेंट बेसिकली दो प्रकार से डिवाइड किया है, एक है बिहेवियरल थेरेपी और दूसरा है मेडिकेशंस। मेडिकेशंस ये लेस प्रायोरिटी वाला ट्रीटमेंट है। जो भी ऑटिज्म के बच्चों को जो एसोसिएटेड सिम्टम्स है उसको मेडिकेशन से ठीक किया जा सकता है, लेकिन ऑटिज्म की जो कंडीशन है उसको मेडिसिन से ठीक किया जा सकता नहीं। जैसे मैंने कहा, ऑटिज्म की ट्रीटमेंट क्या है, ऑटिज्म के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पेशल एजुकेटर्स, वेल एजुकेटेड टीचर्स, अलग स्पेशल ट्रीटमेंट, अलग स्पेशल एजुकेशन। ये सभी ट्रीटमेंट से ऑटिज्म को बच्चों को अच्छे सिखाया जा सकता है। बहुत सारे अलग अलग ट्रीटमेंट्स होती है, जैसे सेंसरी ट्रेनिंग होता है, जो ऑटिस्टिक बच्चों को सेंसरी डिप्राइवेशन होता है उन्हें सेंसरी थेरेपी देकर बच्चों को अच्छा किया जा सकता है। बिहेवियरल एनालिसिस ट्रीटमेंट होती है। ऑटिज्म का ट्रीटमेंट करना ये एक मल्टीडिसिप्लिनरी टीम का ट्रीटमेंट है। इसमें साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, पीडियाट्रिशियन, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, ऐसे सभी लोग मिलकर काम करते हैं और बच्चों को राइट फ्रॉम मोटिवेशन, साइकोलॉजिकल एनालिसिस, बिहेवियरल थेरेपी, सेंसरी ट्रीटमेंट, एजुकेशन पे फोकस, ऐसे मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच रखकर पेशेंट को अच्छा करने का, ऑटिस्टिक बच्चों को अच्छा करने का प्रयास करते हैं। साथ ही में एक बहुत बड़ा फैक्टर है, वो है पेरेंट्स का। पेरेंट्स जितना ज्यादा वेल बैलेंस्ड बिहेवियर रखेंगे बच्चों के साथ, जितना अच्छा उन्हें समझाएंगे, जितना अच्छे से उन्हें एक्सेप्ट करेंगे, उतना अच्छे से बच्चा डेवलप होता है। सभी बच्चों को अपने पेरेंट्स के तरफ बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट होता है और पेरेंट्स को बहुत ज्यादा उम्मीदें होती है अपने बच्चों के तरफ। लेकिन ऑटिज्म के बच्चा सभी एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं कर पाता।
इस वक्त ध्यान देना चाहिए कि बच्चों, पेरेंट्स ने बच्चों की तरफ हमेशा अच्छी से नॉन क्रिटिकल, नॉन जजमेंटल व्यू से अगर देखा और उन्हें एक नॉर्मल बच्चे की तरह ट्रीट किया तो बच्चा क्लोज टू नॉर्मल अच्छे से बिहेव कर सकता है और अच्छे से सक्सेस पा सकता है। ऐसी है ऑटिज्म की कंडीशन। अगर कोई भी व्यक्ति को हो तो ये मैसेज के द्वारा, ये वीडियो के द्वारा उन्हें बताए कि ऑटिज्म ये एक क्योरेबल डिसऑर्डर नहीं है, लेकिन अगर इंटरवेंशन किया तो ऑटिज्म का बच्चा बहुत अच्छे से जी सकता है और अपने पढ़ाई में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं जल्दी ही अगला वीडियो लेके आऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।